जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में किए गए थोड़े से पुण्य कर्म से भी हमें फल बहुत अधिक मिलता है और इस महीने का इतना प्रताप है। श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं माघ हूं। इस महीने में तिल का हमें बहुत ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि इस महीने में तिल से आप ये 6 काम करना, आपकी मन की सभी इच्छाएं पूरी होगी। ठीक है, अब तिल का इतना महत्व क्यों है? देखो, माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है। तिल धरती का पहला खाने वाली चीज उत्पन्न हुई थी और ये भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई थी, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तिल फलहार में आता है, इसे व्रत में भी खाया जाता है। ठीक है, अब हमें तिल से इस महीने में क्या क्या करना है। सबसे पहला, इस महीने में तिल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। 6 तरह से हम तिल का इस्तेमाल करते हैं। तिल को खाने में इस्तेमाल करें, जल में मिलाकर नहाएं, तिल का उबटन लगाएं, तिल से हवन करें, तिल का दान करें। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है, रोज खाने में और जल में मिलाकर तो आपको स्नान करना ही करना है, इससे बहुत ज्यादा अधिक पुण्य मिलता है। कुछ नहीं, आप नॉर्मल एक समय सात्विक खाना खा रहे हो तो आटे में थोड़े से तिल डाल दो, उसकी रोटी बना लो, बहुत अच्छी लगती है। सब्जी में थोड़े से तिल डाल दो, बहुत अच्छे लगते हैं। ये नहीं कर सकते हो तो तिलकुट बना के रख लो, रोज एक चम्मच खा लो। तिल में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमें शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि माघ मास में गुड़, तिल और कंबल का दान बहुत अच्छा होता है, इससे हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। अब एक उपाय बताती हूं, थर्ड हमें क्या करना है तिल का। माघ मास के हर शनिवार के दिन काले तिल लो और काली उड़द की दाल लो, इसको एक काले कपड़े में बांध कर किसी गरीब इंसान को दान करें। इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। ठीक है, अब कोई प्रश्न करेगा कि भाई कितना कितना करें, तो ये पूरी तरह आपके ऊपर है। आप कितनी भी दाल ले सकते हो, 125 ग्राम ले लो, 250 ग्राम ले लो, आधा किलो ले लो, 1 किलो ले लो, 125 किलो ले लो, पूरी तरह आपके ऊपर है। इसी तरह उसके अंदर तिल डाल के आप, बट दोनों चीजें काली चाहिए। ठीक है, अब अगली बात, नेक्स्ट हम तिल के साथ क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं दिखता, या फिर उसको हर बार धन की हानि होती रहती है, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, तो इन परेशानियों को रोकने के लिए मुट्ठी भर काले तिलों को अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके सर पर 7 बार उतार कर उत्तर दिशा में फेंक देना, इससे आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अगला उपाय हमें जो तिल से करना है वो है, हर शनिवार को दूध में काले तिल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस दूध को पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है। इससे जो भी हमारा बुरा वक्त होता है ना, वो जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, लास्ट उपाय क्या है, माघ मास में रोज आपको एक काम करना है। रोज सुबह जब पूजा के बाद आप मंदिर जाते हो, आपको करना क्या है, एक लोटे में घर से ही ये जल लेके जाना है। शुद्ध जल होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, और उसमें उस जल में थोड़े से काले तिल डाल लें, फिर इस जल को लेके जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। इससे पुरानी चल रही बीमारियों से छुटकारा मिलता है और घर में संपन्नता आती है। करके देखिएगा, बहुत अच्छे उपाय हैं। माघ का महीना इतना ज्यादा पवित्र है, थोड़े में ज्यादा फल देने वाला है, इसीलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप इसको ट्राई करोगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।